कि किस तरह से ये तूफान इस वक्त मुंबई से गुजर रहा है, और इसीलिए शायद आईएमडी ने इस तूफान को एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं क्रिटिकल बता दिया है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं पानी का जो आप देखेंगी ये फ्रेम में अगर कंटिन्यू करें तो ये सीधा जो रस्ते तक है गेटवे ऑफ इंडिया पर पानी आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं, एक अंदाजा देखने के लिए अगर पेड़ों पे आप नजर डालेंगी तो उससे ये हवा का आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो विंड की स्पीड है ये मुंबई में लगातार इस वक्त बढ़ती जा रही है। पेड़ गिरने के जो हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी ना गए, कोविड केयर सेंटर्स में फील्ड हॉस्पिटल में तकलीफ ना हो, लेकिन जो वेदर का इम्पैक्ट है वो आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मुंबई में अगर देखें तो ये हवा की स्पीड की वजह से कई जगह पेड़ गिर रहे हैं, कई लोगों को इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा है। तो आगे चलकर इस कुछ घंटों में ये तूफान का असर मुंबई में किस तरह रहता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तूफान जो है ये एक्सट्रीम सिचुएशन में बदल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई में जो असरात इस वक्त देखे जा रहे हैं, जिस तरह की हवा की स्पीड देखी जा रही है, ये लास्ट ईयर जब निसर्ग तूफान आया था तब भी इतनी ज्यादा हवा मुंबई में नहीं चली थी। हालांकि कई जगहों पर पेड़ काटे गए थे लेकिन फिर भी मुंबई में ट्री कोलैप्स की इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात से जो हवा तेज हवा शुरू हुई थी वो अभी तक कायम है और आने वाले कुछ घंटों में भी कायम रहेगी जब तक ये तूफान गुजरात की तरफ नहीं निकल जाता। मीनाक्षी बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी मुस्तफा, लेकिन जिस तरह से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वाकई इस वक्त चिंता पैदा करते हैं कि जमीन पर नुकसान कम से कम हो, ये प्राथमिकता प्रशासन की भी है। लेकिन आपको ये समझाते हैं कि तूफान किस तरह से इन राज्यों को प्रभावित कर रहा है। देश के दक्षिण पश्चिम ये राज्य हैं, अगर यहाँ पर आप मैप पर भी नजर डालें तो आपको ये पूरी तस्वीर दिखाई देगी। जो दक्षिण पश्चिम राज्य जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये चक्रवाती तूफान इस तरह से आगे बढ़ा, पहले कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और अंत में इसको गुजरात पहुंचना है। गुजरात में आशंका यह है कि आज दोपहर बाद ये तट पर टकरा सकता है। कुल मिलाकर 14 ऐसे जिले हैं गुजरात के जो हमने आपको मैप पर इससे पहले भी दिखाए, जहां पर असर सबसे ज्यादा रहने वाला है। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, 8 लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा जो नुकसान जमीन पर है वो अलग, पेड़ गिरने जैसी घटनाएं इस समय सबसे ज्यादा सामने आती है और ऐसे में लोगों के घर हों, इमारतें हैं, छतें हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे में यही प्रशासन की इस वक्त चुनौती भी है और लोगों को आगाह किया गया है कि आप अपने घरों में रहें, समंदर के नजदीक ना जाएं, क्योंकि तेज हवाएं, तेज बारिश और समंदर की लहरों का ये जो प्रकोप है ये आम जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीआरएफ की टीम इन तमाम हिस्सों में तैनात की गई है। हमने आपको गुजरात और महाराष्ट्र से अपने संवाददाताओं से अपडेट्स दिखाए। आइए आपको हम लेकर चलते हैं गोवा। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया वहां पर मौजूद हैं। सौरभ, हमने मैप पर भी देखा कि कैसे ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ा, गोवा पर तो इसका असर हालांकि कल भी देखा गया, वहां पर एयरपोर्ट अभी तक वापस रूटीन में एक्टिव नहीं हो पाया है, लेकिन आज के दिन में भी क्या तूफान का असर आप वहां पर देख रहे हैं? जी देखिए, आज तूफान का उतना असर नहीं है, लेकिन दो दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही, अब यहां से पूरा तूफान तो निकल गया है लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए। यहां पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं, और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। दो लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और दो दिन तक